नमस्कार दोस्तों, हमारे सिंधी चल बात चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सरफराज, मैं आया हूँ सिसई मेले का वीडियो लेकर। आज मेले का चौथा दिन है और मेले में 100% घोड़े आ चुके हैं और मेले का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा है। मेले में बहुत सारे जानवर आए हुए हैं और खूबसूरत जानवर आए हैं, और घोड़े के अलावा भी इस मेले में कुछ और भी जानवर आए हैं, उसको भी आप सभी को मैं दिखाऊँगा। वीडियो के आप सभी लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को मैं जो मेले में घोड़े के अलावा और भी जानवर हैं उन्हीं को भी आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। इस मेले में काफ़ी कलरदार बच्चे आए हुए हैं, और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएँ, क्योंकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को मैं पूरा मेला घुमाने वाला हूं, जो घोड़ा बाजार भी है और घोड़े का जो सामान उमान मिलता है जैसे माला गद्दी उद्दी वो भी आप सभी को मैं दिखाने वाला हूं। आप सभी को बता दीजिए, मेला 24 तारीख से लगा है और मेले का डेट था 28 तारीख, लेकिन इस साल में दो बार मेला लगता है, होली के एक दिन बाद और दशहरे के एक दिन बाद। तो आज ये मेला जो है दशहरे के एक दिन बाद लगा हुआ है, और मेले में अभी आज के दिन 28 तारीख है, और आज से पूरा मेला का माहौल है जो काफ़ी अच्छा हो चुका है। मेले में बहुत सारी खरीद बिक्री चल रही है, आप सभी को मेले चलता हूँ। वही जो आए हुए जानवर देखिए, गाय आई है इस मेले में, गाय भी आई है इस मेले में बिक्री के लिए, और सारे भी जानवर हैं। एक एक करके आप सभी को मैं दिखाता हूँ कौन से जानवर आए हुए हैं। देखिए एक और ये जानवर आए हैं, दो हैं जिसको साहिल बोलते हैं, और बंदर भी इस मेले में आया हुआ है। और आप सभी को और मैं जानवर दिखाता हूँ, जैसे कि ये कुत्ता, ये बहुत ही अच्छा नस्ल का कुत्ता है जो इस मेले में आए हुए हैं, और सारे कुत्ते भी आए हुए हैं इस मेले में, जो बहुत अच्छे नस्ल के कुत्ते इस मेले में आए हुए हैं, और घोड़े भी आए हुए हैं इस मेले में, बहुत ज़्यादा घोड़े हैं, हर साल से ज़्यादा इस साल इस मेले में घोड़े आए हुए हैं। और देखिए खूबसूरत कुत्ते भी इस मेले में आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये मेला सोनपुर का मुकाबला कर रहा है करेगा, जैसे कि इस मेले की बढ़ती है, काफ़ी अच्छी बढ़ती है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सोनपुर का ये मुकाबला करेगा। और आप सभी को बता दूं कि मेला मालिक विजय यादव इस मेले में काफ़ी सारे सुविधा देते हैं, जैसे कि लकड़ी और बांधने के लिए खूटा, लकड़ी खाना बांधने के लिए और बांधने के लिए खूटा, और कोई भी यहाँ की चीज़ की दिक्कत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे पेड़ भी है, बहुत सारे पेड़ है, और घोड़ों के दौड़ाने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। सब कोई अपना अपना घोड़े के यहाँ पे जलवा दिखाते हैं। ये मेले का जो ग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, और मेले में आपसे भी से यही रिक्वेस्ट है, मेले में आए और मेला कोई आगे बढ़ाए और खरीद बिक्री करें और मेले का खूब सारा लाभ उठाएं। आप सभी को मैं पूरा मेला घुमाने वाला हूँ इस वीडियो में, देखते रहिए लास्ट तक इस वीडियो को। देखिए काफ़ी कलरदार बच्चे इस मेले में आए हुए हैं, और कम रेंज में यहाँ पे घोड़े मिलते हैं, और कलरदार अच्छे नस्ल के यहाँ पे घोड़े मिलते हैं। काफ़ी अच्छे घोड़े आए हुए हैं इस मेले में, आप सभी को इस वीडियो में पूरा मेला घुमाने वाला हूँ, लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा। हेलो
होली के बाद होली के तिहार बजा से यहाँ लोग आवेला। आप सबको मैं ले चलता हूँ, जो घोड़ेगा सामान हमारे मित्र जैसे काफी होते हैं माला वाला हो गया, और उसी दुकान पे ले चलता हूँ आप सभी को। बहुत ही अच्छा व्यापारी और बहुत ही दूर से अपना खरीद कर खा सकते हैं, बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेला मालिक ने दिया है और मिले चलता हूँ सामान हर बंधुओं सामान की जो दुकान है दुकान लग चुकी है। यहाँ पे जो सामान मिलता है हर मेले से कम रेंज में यहाँ पे सामान मिलता है। कोई भी सामान लेना हो यहाँ पे, कोई भी सामान लेना हो यहाँ पे डिस्काउंट में मिलता है, और कोई मेले में डिस्काउंट नहीं मिलता है, लेकिन इस मेले में अच्छा अच्छा सामान और सस्ता भी सामान मिल रहा है। और